Jesus is God's blessing for mankind. मानव जाति के लिए यीशु परमेश्वर के आशीष हैं. Amen. Amen. You want to receive anything from God? आप परमेश्वर से यदि कुछ भी पाना चाहते हैं. Jesus is the way. तो यीशु ही मार्ग है. You want to know the truth? आप सत्य जानना चाहते हैं. Jesus is the truth. तो यीशु ही सत्य है. And you want life? और आप जीवन चाहते हैं. Jesus is the life. तो यीशु ही जीवन है. Amen. Amen. Our relationship with God happens because of life. जीवन के कारण हमारा परमेश्वर से नाता जुड़ता है. Not because of religion. धर्म नहीं. Amen. Amen. Everyone is practicing religion. हर कोई धर्म का पालन कर रहा है. But not, God is not after religion. पर परमेश्वर धर्म स्थापना के पीछे नहीं है. Jesus never came to establish any religion. यीशु कभी नहीं आए ताकि किसी भी धर्म की स्थापना करें. He came that we may have a relationship with God. यीशु इसलिए आए ताकि हमारा परमेश्वर के साथ नाता जुड़ सके. A personal relationship. परमेश्वर के साथ एक निजी नाता. One-to-one relationship. एक-एक वाला नाता. A family relationship. पारिवारिक नाता. Amen. Amen. That's why Jesus came. इसलिए तो यीशु आए. Because sin had separated us from our Father. क्योंकि पाप ने हमें हमारे पिता से अलग कर दिया था. Sin is the greatest separator. और पाप बहुत बड़ा अलगाव करने वाला है. When our first parents sinned, जब हमारे पहले माता पिता ने पाप किया, they were separated. तो वो परमेश्वर से अलग किए गए. Not only from God, केवल परमेश्वर से ही नहीं, but even from His presence. यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति से भी वो अलग किए गए. Even from that paradise kind of garden that is Eden. और जो अदन की सुखलोक वाली वाटिका थी, उससे भी वो लोग अलग कर दिए गए. They were separated from the blessings. वो आशीर्वादों से अलग हो गए. That grace. Gave them. जो कृपा ने उन्हें दी थी. God made everything by grace. परमेश्वर सब कुछ कृपा से बनाया है. Amen. Amen. And before God could create man, He made everything. और इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को बनाता, उसने उसके लिए सारी पहले सुविधाएं बनाई. What is that? वो कौन सी that है? Is grace. और वो कृपा है. Amen. Amen. He provided everything. उसने उनके लिए सारा प्रबंध तैयार किया. So, we see from the beginning. तो हम शुरुआत से देखते हैं. That is the quality of God. यही परमेश्वर का स्वभाव है. Amen. Amen. That He wants to give us by grace. कि वो कृपा से हमें सब कुछ देना चाहता है. Freely. मुफ्त में. That's the heart of God. यही परमेश्वर का हृदय है. And that's why you're going to see the same in heaven. और यही बात हम स्वर्ग जाकर भी देखेंगे. God is going to lavishly bless us. कि परमेश्वर दिल खोलकर हमें आशीर्वादित करेगा. Amen. Amen. Everything will be given free. सारी चीजें मुफ्त में दी जाएंगी. For eternity. सनातन के लिए. That's the mind of God. यही परमेश्वर का मन है. What we see today. जो आज हम देखते हैं. Is because we are out of the type of paradise. क्योंकि हम उसके सुखलोक वाले स्वर्ग के बाहर आ चुके हैं. And due to sin. और पाप के कारण. The devil has hindered mankind. शैतान ने इंसान के लिए रुकावटें खड़ी की. But God has a great desire. पर परमेश्वर की बड़ी इच्छा है. To bless us. कि हमें आशीर्वादित करे. That's why He brought grace. यही कारण है वो अनुग्रह को लेकर आया. What is the meaning of grace? अनुग्रह का मतलब क्या है? Grace means God doesn't want there should be any hindrance for you to receive. अनुग्रह का मतलब है प्रभु नहीं चाहता किसी तरह की रुकावट आए आपके लिए पाने में. Freely you receive. कि आप आराम से मुफ्त में पा सकें. Amen. Amen. That is God's desire. यही परमेश्वर की इच्छा है. That's why He sent Jesus. यही कारण है उसने यीशु को भेजा. As grace. कृपा के तौर पे. He came as grace. वो अनुग्रह के तौर पे आया. So that we can freely be blessed. ताकि हम मुफ्त में आशीर्वादित हो सकें. Amen. Amen. It is a lack of right knowledge. क्योंकि हमारे अंदर सही ज्ञान की कमतरता है. That we put many hindrances. इसलिए बहुत सारे हम खुद रुकावटें खड़ी करते हैं. That's why I always say. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ. We must know the Bible in a right way. कि बहुत जरूरी है कि हम सभी को सही वचन का ज्ञान हो. Because Christians don't know the word in a right way. क्योंकि मसीह लोग वचन का सही ज्ञान नहीं रखते. They are putting much hindrance. इसलिए वो खुद रुकावटें खड़ी करते हैं. And then they think why God is not blessing. और फिर वो लगता है कि क्यों परमेश्वर मुझे आशीर्वादित नहीं कर रहा. If someone prays, God will bless. हो सकता है कोई यदि मेरे लिए प्रार्थना करे तो वो मुझे आशीर्वादित करे. Then they move out from their personal relationship with God. और फिर परमेश्वर के साथ जो निजी नाता है वो संबंध के वो बाहर आ जाते हैं. नहीं मैं पूछा तो नहीं देगा, वो पूछा तो देगा. तो हमारा जो नजदीक का संबंध है हम लोग की दूर चले जाते हैं. बिकॉज हमारे मन में ऐसा आता है कि नहीं प्रभु मुझे नहीं देगा. उसके लिए ना कोई भी जो नजदीक है ना वो बोलना चाहिए.
Slowly then you move out further away from God. और धीरे धीरे आप परमेश्वर से और दूर दूर चले जाते हैं. And you cannot even believe for small things. और फिर आगे चल के तो छोटी बातों तक का आपका विश्वास नहीं होता. Unless someone puts a vasila there. जब तक कि कोई वसीला ना दे. Hello. Even for small things you cannot believe. यहाँ तक कि छोटी बातों तक के लिए आप विश्वास नहीं कर पाते. You stop believing. आप विश्वास करना छोड़ देते हैं. Long time back. बहुत समय पहले ही. Because you moved out of that faith relationship. क्योंकि वो जो विश्वास वाला नाता है उसके तो आप कब का बाहर आ चुके हैं. That's why then people don't expect blessings. और यही कारण है लोग आगे चल के आशीर्वाद पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं. अपने बलबूते आशीर्वाद पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं. Then they start running everywhere. और फिर वो यहाँ वहाँ सभी जगह दौड़ना शुरू करते हैं. कहाँ से मिल सकता. You are going further away from God. तो आप परमेश्वर से और दूर जा रहे हैं. God loves you personally. परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपसे प्रीति करता है. He gave his life personally for you. उसे निजी तौर से आपके लिए अपनी जान दी है. Amen. Amen. Don't lose that kind of relationship. तो उस तरह के रिश्ते को कभी खोइएगा नहीं. Even if you ask. यदि आप खुद मांगे. God will surely bless you. तो परमेश्वर यकीनन आपको देगा. Amen. Amen. God is not against you. परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं है. He is for you. वो तो आपके लिए है. From the time you believed in Jesus, जब से आपने यीशु पे विश्वास किया, you have become a special person to God. तो आप परमेश्वर के लिए खास व्यक्ति बन चुके हैं. Amen. Amen. This is the way heaven sees. इसी रीति से स्वर्ग देखता है. When they see the light in you, जब वो आपके अंदर प्रकाश देखता है, that is Jesus, जो कि स्वयं यीशु है, they are all for you. तो वो सभी आपके पक्ष में आ जाते हैं. Amen. Amen. Acts 3:26 says. प्रेरितों के काम 3:26 में लिखा है. God having raised up His Son Jesus. कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जी उठाया. See, there are two ways this is written. तो दो ऐसे भागों में ये वचन लिखा गया है. The Bible also says. बाइबल भी कहती है. Jesus raised Himself up. कि यीशु ने स्वयं को जीवित उठाया. You know, because someone asked me. क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा. They showed me the verse. उन्होंने ये वचन मुझे दिखाया. God raised him. और देखा है कि देखो स्वयं परमेश्वर ने उसे जी उठाया. That means God is bigger than Jesus. इसका मतलब तो यही हुआ कि जो परमेश्वर है वो यीशु से बड़ा है. They are only trying that to show that Jesus is secondary. वो सिर्फ यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु दूसरे दर्जे पे है. He is not equal with God. कि वो परमेश्वर के समान नहीं है. But In so many places Jesus has said. पर कितने ही जगह स्वयं यीशु ने कहा है. No man can take my life. कि कोई मनुष्य मेरा जीवन नहीं ले सकता. I give it on my own. मैं खुद अपना प्राण देता हूँ. That I can take it back on my own. ताकि पुनः अपना प्राण वापस ले सकूँ. Amen. Amen. That is the first he has said. तो ये पहली बात है जो यीशु ने कही है. That he raised himself up. कि उसने खुद को स्वतः जीवित उठाया. And also says. और वो साथ ही कहता है. He was raised up from the grave. कि वो मृतकों में से जी उठा. Amen. Amen. So both ways. The Bible speaks of. तो दोनों ही तरीकों में बाइबल इस बात की घोषणा करती है. And there's a reason that we will see next. और इसके पीछे एक कारण है जो हम अगली बार देखेंगे. So here we see. तो यहाँ हम देखते हैं. God sent Jesus. कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा. As a blessing. आशीर्वाद के तौर पे. So how do you look at Jesus? तो आप कैसे यीशु को देखते हैं? Who is he to you? आपके लिए यीशु क्या मायने रखता What है? What do you think about Jesus? यीशु को लेकर आपकी क्या सोच है? Even Jesus asked this question. यहाँ तक यही सवाल यीशु ने पूछा. To his disciples. अपने चेलों से पूछा. What do people say about me? कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? Who do they say I am? और वो मेरे विषय में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? That's a very important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. Because he not only asked the world. क्योंकि ये बात उसने सिर्फ दुनिया से ही नहीं पूछी. He even asked his disciples. यहाँ तक कि यही बात उसने अपने चेलों से पूछी. Okay, who do you say I am? कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? See, that is very important. देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है. You must know who Jesus is. आपको पता होना चाहिए कि यीशु कौन है. In a right way. सही रीति से. Amen. Amen. If you look at Jesus as he's going to punish you. यदि आपको लगता है कि यीशु आपको दंडित करेंगे. Or judge you. या आपका न्याय करेंगे. Or condemn you. या आपको सजा देंगे. Because that's the kind of messages people are preaching. क्योंकि इसी तरह के लोग आज प्रचार कर रहे हैं. Grace has freed us from all these questions. और इन सभी सवालों से अनुग्रह ने हमें आजाद कर दिया है. Amen. Amen. Because of grace, we are free from all these questions. इस तरह के सवालों से अनुग्रह के कारण हम आजाद हो चुके हैं. You know, in Galatians 1:6. आप जानते हैं गलंतियों के पत्र 1:6. Paul writing to the Galatian Christians said. कि जहां गलंतियों के मसीहों से पौलुस ने पत्र लिखा, उसने कहा. I am so shocked. कि मुझे बहुत ही हैरानी होती है. So surprised. मैं बहुत ही अचंभे में हूँ. That you are so soon turning away. कि इतना जल्दी तुम मुकर गए.
from him that called you unto grace. और जिसने तुम्हें अनुग्रह में अपने अनुग्रह में बुलाया था, क्या बात है कि तुम इतने जल्दी उससे मुकर गए, भरमाए गए हो? Grace of Christ into another gospel. और तुमने मसीह के शुभवर्तमान को छोड़ दूसरे ही किसी शुभवर्तमान पे विश्वास करना शुरू कर दिया. There is also another gospel. तो इसका मतलब है दूसरा भी शुभवर्तमान है. Amen. Amen. So what gospel are you hearing? तो कौन सा शुभवर्तमान आप सुन रहे हैं? That is very important. और ये जानना बहुत जरूरी है. Apostle Paul wrote there. तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने लिखा है. I'm shocked. कि मुझे बहुत हैरानी होती that है. That you are removing yourself. कि तुम अपने आप को निकाल रहे हो. This is a very strong word. ये बहुत ही मजबूत बात है. If it is not the gospel of grace, यदि वो अनुग्रह का शुभवर्तमान नहीं है, you yourself are removing yourself from God. तो इसका मतलब है आप खुद ही अपने आप को परमेश्वर से अलग कर रहे हैं. It is by the gospel. That you come to God. ये सही शुभवर्तमान के द्वारा ही आप परमेश्वर के पास आते हैं, जो कि अनुग्रह का शुभवर्तमान है. Amen. Amen. प्रभु का कृपा का जो सुसमाचार के मुताबिक हम लोग प्रभु के साथ टाइड अप है, रिलेशनशिप है, फेलोशिप है, संगति है. Amen. Amen. But there is also another gospel. पर दूसरा शुभवर्तमान भी है. Which removes you from God's grace. जो कि आपको परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर निकाल देता है. That's the gospel of works. और वो है कामों के आधार पे बना शुभवर्तमान. See, there are two gospels. देखिए इसका मतलब है दो शुभवर्तमान. Gospel of grace. एक कृपा का शुभवर्तमान. And gospel of works. और दूसरा कामों का शुभवर्तमान. If you are hearing the gospel of works. यदि आप कामों के आधार वाला शुभवर्तमान सुन रहे हैं. Your faith. Of works. तो कामों से आपका आया हुआ विश्वास है. There is the gospel of grace. दूसरा अनुग्रह का शुभवर्तमान है. And that faith comes from Jesus. और उसके अंदर से जो विश्वास आता है वो यीशु का विश्वास है. Amen. Amen. That unites us to God. और ये विश्वास परमेश्वर के साथ हमें जोड़ that देता keeps है. Us unto God. जो परमेश्वर के साथ हमें संभाले रखता है. This gospel of works. और ये जो कामों वाला शुभवर्तमान है. It looks good. दिखने में अच्छा दिखता है. And many people like it. और बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है. 80 to 90% Christians know this gospel. और 80 से 90% मसीह लोग सिर्फ इसी शुभवर्तमान को जानते हैं. And they love it. और उन्हें वो पसंद भी है. Because that is based on religion. क्योंकि वो धर्म के आधार पे बना है. You know when I write some message जब on the Facebook. Facebook पर कुछ संदेश लिखता हूँ. Then others will write. तब दूसरे लिखेंगे. No, our religion is good. कि देखो हमारा धर्म अच्छा है. So I write to them, our Christianity is not religion. तो मैं आगे चलके उन्हें सफाई देता हूँ कि देखो हमारा जो मसीह जीवन है वो कोई धर्म नहीं है. It is relationship based. ये एक नाता है. Based on life. जहाँ जीवन के आधार पे ये नाता जुड़ा where है. Where you can live as a family. जहाँ परिवार के तौर पे आप परमेश्वर के साथ God रह सकते हैं. Where God becomes our parent. जहाँ परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है. In religion. धर्म में. God is not your parent. परमेश्वर आपका पिता कभी नहीं बन सकता. He is your boss. वो तो आपका मालिक है. And you are his worker. और आप उसके नौकर हैं. When you work, जब आप काम करेंगे, he pays you wages. तब वो आपको पगार या वेतन देता है. Amen. Amen. That's your relationship. और ये धर्म के आधार पे जुड़ा नाता है. If you don't work, यदि आप काम नहीं करेंगे, you will not get anything. तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. Amen. Amen. Look at these two families. दो परिवारों को. Here is a parent relationship. यहाँ एक माता पिता के साथ जुड़ा हुआ Because नाता है. Because you're born in this family. क्योंकि आपने इस परिवार में जन्म लिया born है. Born of God. आप परमेश्वर के जन्मे हैं. By the seed of God's word. और परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा आपका जन्म हुआ है. And you become a child of God. और आप परमेश्वर की संतान By बन life. चुके हैं जीवन पाने के कारण. You are in the family. आप परिवार में हैं. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रीति करता है. You don't have to work to receive. आपको पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है. Because you are in the relationship, you work. क्योंकि आप उस परिवार के सदस्य हैं इसलिए आप काम करते हैं. Amen. Amen. वो प्रेम के तुम घर में काम क्यों करते हो? बच्चे लोग घर में जो काम करते हैं खाना मिलने के लिए नहीं, because they are part of the family. क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है. Amen. Everyone works. तो हर कोई परिवार में the काम Bible करता says, है. The Bible even says, our father works. और बाइबल ये भी कहती है कि स्वयं हमारा पिता काम even करता Jesus है. Said, यहां तक यीशु ने कहा, our father is still working. कि हमारा पिता अब भी काम And कर रहा I am also doing the works of our father. और मैं भी अपने पिता का काम कर रहा हूँ. Everyone is working. तो देखिए हर कोई परिवार में Not काम कर रहा receive, है कुछ पाने की आशा से नहीं because we are in the family. पर क्योंकि हम परिवार में हैं. So change your mind. इसलिए अपनी सोच बदलिए. Remove that slave mentality. वो गुलाम और नौकर वाली सोच निकाल फेंकिए. Amen. Amen. You will always live a depressed life. नहीं तो आप हमेशा निराशा वाला जीवन जिएंगे. आज ज्यादा कुछ काम नहीं होगा, आज प्रभु आशीर्वाद नहीं करेगा.
That kind of mentality must leave. तो इस तरह की सोच को निकाल फेंकना है. You know, I'm trying my best to remove that kind of slave mentality. मैं बहुत ही उत्तम कोशिश कर रहा हूँ ताकि उस तरह की गुलाम और नौकर वाली सोच को निकालूं. But Christians again and again receive the gospel of law. पर जो मसीह लोग हैं वो बार-बार वो जो व्यवस्था वाली व्यवस्था के आधार पर शुभ वर्तमान है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं. तो इधर से निकल जाते उधर पकड़ लेते फिर वापस इधर आए उधर से निकल के ये पकड़ते और दूसरी जगह गए तो ये छोड़ के वो पकड़ते. See, that is what Paul was saying. यही तो पौलुस कह रहे थे. You removed yourself. कि तुमने खुद को खुद निकाल दिया. मैंने जो तुमको सिखाया कृपा का तुम अभी दूसरा लोग सिखा रहे हैं और तुम प्रभु से दूर हो गए. We need to be very careful. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है. See, there is another gospel. देखिए एक दूसरा शुवर्तमान भी है. See here, you read with your own eyes. आप खुद अपनी आँखों से पढ़िए. You know, it is good to open your eyes and read the Bible. अच्छा होगा कि आप अपनी बाइबल खुद खोल के अपनी आँखों से खुद पढ़ें. It is a great blessing. इसमें महान आशीर्वाद है. Because these five senses. क्योंकि जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, जो परमेश्वर ने दी है, for our benefit. हमारे फायदे के लिए, for our good. हमारे अच्छे के लिए. You know, these things either will uplift your soul, your personality, or put you down. यही सारी पांच इंद्रियां या तो आपके व्यक्तित्व को या आपके अपने जीवन को ऊपर उठाएंगी या आपको नीचे गिराएंगी. Because these are the gates to your personality. क्योंकि ये आपकी व्यक्तित्व में प्रवेश करने के फाटक हैं. I gave this message many times. बहुत बार ये संदेश में दे चुका हूँ. What you see enters into you. कि जो आप देखते हैं वो आपके अंदर चला जाता है. What you see, you're entering into it, and what you enter enters into you. और जो आप देखते हैं आप उसमें प्रवेश करते हैं और जिसमें आप प्रवेश करते हैं वो आप में प्रवेश कर जाता है. If you're seeing wrong things, यदि आप गलत और गंदी चीजें देख रहे हैं, you're permitting it to enter you. तो आप उन सारी चीजों को अनुमति दे रहे हैं कि वो चीजें आपके अंदर प्रवेश करें. Your seeing is you want it. आपका देखना ये मतलब है कि आपको वो चाहिए. Just seeing is not there, but look is deeper than seeing. आप देखना ही काफी नहीं है, पर उसपे दृष्टि डालना देखने से और गहरा है. That's the Bible. When you look at a woman, you have already committed it. और ये कहने बाइबल कहती है कि तुमने एक स्त्री पर कुदृष्टि डाली है, तो तुम पहले से ही उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो. See, looking is like doing. तो देखिए जो देखना है वो मानो करना है. Looking is like receiving. और देखना मानो पाना है, अपनाना है. Amen. Amen. The first sin happened because of one of the senses. और जो पहला पाप हुआ वो एक इंद्रियों के द्वारा ही हुआ. Now, if you know all this, यदि ये सारी बातें आपको पता हो, you will take care of yourself. तो आप अपने आप का ख्याल रखेंगे. Amen. Amen. These are the gates of your soul. ये आपके प्राणों की ओर बढ़ने वाले या खुलने वाले फाटक हैं. How you use it, आप इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, is very important. ये मायने रखता है. God as a gift has given it to you. परमेश्वर ने तोहफे के तौर पे ये पांच इंद्रियां आपको दी है. But we are responsible. पर इनके लिए हम जिम्मेदार हैं. प्रभु मेरा आंख बंद करो ये सब देखने करने, ऐसा प्रार्थना गलत है. प्रभु मेरा कान बंद करो ये सब नहीं देखने का, ये सब प्रार्थना का कुछ उपयोग नहीं है. यू आर रिस्पॉन्सिबल. तो आप जिम्मेदार हैं. प्रभु मेरे को इच्छा दो चर्च जाने का नहीं. सी व्हेन यू बिकम मैच्योर you take decisions. तो देखिए जब आप सयाने हो जाते हैं तो आप खुद निर्णय लेते हैं. Amen. Amen. As some people say, हम लोग बोले प्रभु के लिए काम करो. हाँ मैं प्रभु के लिए रुका है. प्रभु कभी मार्गदर्शन करेगा, कभी मार्गदर्शन नहीं करेगा. When you know it in the Bible, you do it. जब बाइबल में लिखा है और आपको पता है तो उस पे चलिए. That is maturity. यही सयानापन है. Amen. Amen. On Friday, I gave this message. शुक्रवार को इस संदेश मैंने दिया था. When you take the first step, जब आप पहला कदम उठाते हैं, God takes the 99 steps for you. तो पीछे के 99 कदम परमेश्वर खुद आपके लिए उठाता है. But that first step is so difficult. पर जो पहला कदम है वही उठाना इतना मुश्किल है. सबसे मुश्किल. अगर फर्स्ट स्टेप इतना ईजी रहता सब लोग आज बहुत आगे बढ़ते थे. Isn't it? If first step was so easy, यदि पहला कदम उठाना इतना आसान होता, all would have been at the highest peak. तो हर कोई अपने जीवन में ऊंचे शिखर पे होता. Why they are lacking behind? वो क्यों पीछे छूट गए हैं? Because that first step. सिर्फ उस पहले कदम के कारण. Where you have to make a will decision. जहां आपकी इच्छा में दृढ़ निश्चय आपको करना है. My church जाऊंगा. You know, in some areas you discipline yourself. देखिए कुछ भागों में अपने जीवन में अनुशासन लागू कीजिए. You don't listen to your physical desires. अपनी शरीर की इच्छाओं की मत सुनिए. Because your physical desire is already contrary. क्योंकि जो आपके शरीर में इच्छा होती है, ये शरीर की इच्छा हमेशा आत्मा का विरोध करती है. उसको प्रार्थना करने का इच्छा नहीं आएगा, बाइबल पढ़ने का इच्छा नहीं आएगा, चर्च आने का इच्छा नहीं आएगा. जो दुनिया का चीज के पीछे भागने को बहुत इच्छा है वो. Because these are all natural desires. क्योंकि ये सब नैसर्गिक इच्छाएं हैं.
These are all in your hands. ये सारे आपके हाथों में हैं. But you discipline. पर आप शिस्त लगाइए. Based on the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार पे. Amen. I will go to church. मैं जरूर चर्च जाऊंगा. I will read the Bible. मैं जरूर बाइबल पढूंगा. I will pray. मैं जरूर प्रार्थना करूंगा. I will live based on God's word. मैं जरूर वचन के आधार पे जीवन जीऊंगा. You cannot expect God to do that for you. आप उम्मीद नहीं रख सकते कि परमेश्वर ये काम आपके बदले करे. Some Christians have been waiting for years. अब कुछ मसीह सालों से रुके हैं. अभी तक प्रभु उनको कुछ बताया नहीं. प्रभु बताने वाला भी नहीं है. जो भी वचन में लिखा है तुम करो. यू डू इट. आप खुद करिए. Amen. Amen. And that is the most important step, the first step. और ये जो पहला कदम उठाना है ये सबसे मुश्किल कदम उठाना है. When they had to choose, they are waiting God to choose for them. जहाँ चुनाव करना उनका अपना काम है वहीं वो रुकते हैं कि परमेश्वर उनके बदले चुने. Amen. Amen. See, there are many scriptural errors. That's why people are suffering. बहुत सारे वचन के गलत अनुवाद निकाले गए हैं इसलिए लोग आज पीड़ा भोग रहे हैं. This is true. ये सच है. I don't know whether you know it or not. पता नहीं आपको पता है कि नहीं. This was happening right in when I started my ministry in the beginning. और शुरुआत में जब मैंने अपनी सेविकाई शुरू की तब से ये बात चलती आ रही है. The super spiritual Christians. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को अति आत्मिक मना मानते हैं. हाँ मतलब काम करो. हाँ मैं रुका हूँ प्रभु के लिए. भक्तों काय बोलते प्रभु. 10 साल के बाद काय नहीं नहीं मैं विचार करता प्रभु सांगना रहता मार्गदर्शन करना. वैसा ही पड़ा रहते हैं उन लोग. तो 10 सालों तक रुके हैं. नो द वर्ड वर्क. वचन को जानिए उस अनुसार चलिए. आमेन. आमेन. God will not choose for you. परमेश्वर आपके बदले नहीं चुनेगा. In the Bible he has said it. बाइबल में खुद प्रभु ने कहा. Life and death. जीवन और मरण. Blessing and cursing. आशीर्वाद और श्राप. You choose. तुम खुद चुनो. Amen. Amen. He has written in the Bible. उसने खुद बाइबल में लिखा है. Now you have to make a choice. अब आपको चुनाव खुद करना है. If God could force, the whole world would go to heaven. यदि प्रभु जबरदस्ती करता तो आज पूरी दुनिया स्वर्ग जा चुकी होती. तुम बोलेंगे मेरे को नहीं आने का था, मेरे को नरक जाने का था. तो प्रभु क्या जवाब देगा? He doesn't force anyone. प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता. If you have seen his love. यदि आपने उसकी प्रीति को देखा है, loves you, कि वो आपको कितना प्रेम करता that है, love will constrain you to serve the Lord. तो वही प्रीति आपको विवश करेगी कि आप प्रभु की सेवा करें. That's what Paul said. यही तो पौलुस कहता है. The love of God constrains कि परमेश्वर की प्रीति मुझे विवश करती है. Whatever he did, जो कुछ उसने किया, he did based on the revelation of how much God loves him. परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है, इस प्रकटीकरण या प्रकाश को पाकर उसने वो सारे काम किए. Because उसने देखा मेरा पुराना जीवन इतना बेकार था. I was a murderer. कि मैं खूनी था. Persecutor. छल करने वाला था. I used to hate those who followed Jesus. मैं नफरत करता था उन लोगों से जो यीशु का पीछा करते थे. But yet God chose me. फिर भी परमेश्वर ने मुझ जैसे इंसान को चुना. Saved me. मेरा उद्धार करा. How much he loves me. तो देखो वो मुझसे कितनी प्रीति करता है. And that love never left him. और ऐसी प्रीति, इस प्रीति ने उसे कभी नहीं छोड़ा. It strengthened him in faith. और यही प्रीति ने उसके विश्वास को बलशाली किया. That's why in the last of his journey he could say. इसलिए अपने सफर के अंत में वो कह पाया. I've finished the course. कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की. I've run the race. कि मैंने अपनी दौड़ समाप्त की. I've kept the faith. मैंने अपने विश्वास को कायम रखा है. How could he do it? वो ये कैसे कर पाया? Because of God's love for him. सिर्फ परमेश्वर की उस प्रीति को जानकर जो उसके लिए थी. Amen. Amen. If you don't know how much God loves you, यदि आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रीति करता है, your faith will be weak. तब तो आपका विश्वास बहुत ही कमजोर होगा. You will not serve God much. आप ज़्यादा परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे. You have to be stirred up with this kind of love. इस प्रीति से अपने आप को उमड़ाइए, उकसाइए. Whenever you come to God, जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, just thank Him and praise Him. और उसे धन्यवाद दें कि उसकी स्तुति कीजिए. Our Father will be so happy. तो हमारा पिता बेहद खुश होगा. You'll be stirred up in our Father's love. आप पिता की प्रीति को अपने अंदर उमड़ाएंगे. And you'll want to serve God. और आप इस उमड़ने वाली प्रीति के कारण उसकी सेवा जरूर करना चाहेंगे. We are living in this world which is contrary. हम ऐसे जगत में जी रहे हैं जो कि परमेश्वर के विरोध में उठ रहा है. We continuously need stirring up. लगातार जरूरी ये प्रीति का उमड़ना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, उकसाना जरूरी है. नहीं तो तुम्हारा तुम कोल्ड हो जाएगा, नहीं तो गना हो जाएगा, ठंडे हो जाएंगे, प्रभु से दूर जाएगा. बिकॉज़ ये स्वर्ग में नहीं हम लोग कि सब फेवर में, नहीं सब कॉन्ट्ररी है इधर. एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज कॉन्ट्ररी. धरती की हर एक बात परमेश्वर से हमें दूर ले जा रही है. द डार्कनेस इज टेकिंग ओवर द बाइबल सेज. बाइबल कहती है कि अंधकार छा रहा है. ओवर दिस वर्ल्ड. इस जगत पर. ओवर दिस पीपल. इन लोगों पे अंधकार हावी हो रहा है. बट ही इज टेलिंग हिज चिल्ड्रन. पर वो अपने बच्चों से कहता है. चिल्ड्रन ऑफ लाइट. जो कि प्रकाश की संतान है. कि जागो. अराइज. जागो और प्रकाशित हो. और दबाव में मत आओ अंधकार का दबाव में. आमेन. आमेन. राइज अप.
कि जागो और प्रकाशमान हो स्टर अप एवरीथिंग प्रकाशमान होइए अपने अंदर की हर चीज यू हैव टू डू इट आपको खुद ये काम करना ऑटोमेटिकली नहीं होता है ये अपने आप में नहीं होगा नहीं मैं कुछ नहीं करता प्रभु तू करते रहे टाइम टाइम पे मैं लेजी हो गया तो मेरे को हिला मैं सोते रहेगा तो जगा ऐसा सब नहीं होता है खुद करने पड़ता है आमेन आमेन You don't have to, you do nothing and expect God to do it. That is not Christian living. आप खुद कुछ नहीं करते और उम्मीद रखते कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, ये मसीह जीना नहीं है. As long as you're on this earth. जब तक कि आप धरती पर हैं. We have to do all this. आपको ये सारे काम करना ही है. But grace is available. कृपा मौजूद है. But grace God will not give you unless you respond. पर जब तक आप प्रतिसाद नहीं देंगे, परमेश्वर अपनी कृपा आपको नहीं देगा. Amen. Amen. The grace. God brought grace for everyone. परमेश्वर ने अपनी कृपा हर किसी के लिए उतारी है। प्रभु जबरदस्ती तुमको देगा नहीं कृपा नहीं तुमका तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए He needs your faith. तो वो आपका विश्वास चाहता है विश्वास वाला प्रतिसाद चाहता है By grace you are saved through faith. अब बाइबल कहती है अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास से Amen. Amen. By grace you are saved. कि अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है. Means he is telling by grace everyone is saved. इसका मतलब यही है कि अनुग्रह से तो हर किसी का उद्धार हुआ है. But those who believe. पर जो विश्वास करते हैं. Receive the grace of God. जो विश्वास का प्रतिसाद देते हैं वही अनुग्रह की प्राप्ति करते हैं. Amen. Amen. So here we see. तो यहाँ हम देखते हैं. God sent Jesus to bless you. परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि आपको आशीर्वादित करे. To turn you. From darkness. ताकि अंधकार से आपको दूर करे या मोड़ के वापस लाए. As a blessing to the world. तो सारे जगत के लिए यीशु आशीर्वाद बनकर आए. No, I was telling you to, I forgot that. I was telling you, see the Bible. तो मैं आपसे कह रहा था कि खुद बाइबल खोल के पढ़िए और देखिए. When you open your eyes and see it for yourself. जब आप आंखें खोलकर खुद अपनी आंखों से खुद के लिए पढ़ते हैं. You will receive the word. तो वो वचन आपके अंदर जाता है. The life of the word. वचन का जीवन आपके अंदर जाता है. The content of God. वो परमेश्वर की सामग्री आपके अंदर जाती है. Because the word of God is God content. क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर की सामग्री है. ये वचन मनुष्य का वचन नहीं है. इसके लिए अपोस्टल पॉल बोलता तुमने जब पहला सुना है तुमने ये सोच कर सुना है कि ये प्रभु का वचन है मनुष्य का नहीं है And you were blessed because you believed. और क्योंकि तुमने विश्वास किया इसलिए तुम आशीर्वादित हुए हो. I just read today that. और आज ही मैंने ये वचन पढ़ा. That's what Paul says. यही पौलुस कहते हैं. When you first heard the word. कि जब पहले तुमने संदेश सुना. You heard the word as if this word is not from man. तो तुमने ऐसा वचन माना कि मानो ये बात परमेश्वर से कही है किसी इंसान की नहीं है. किसी इंसान के नहीं पर ये शब्द परमेश्वर का है. Amen. Amen. And when you believe. और तुमने विश्वास किया. This is from God. कि ये शब्द परमेश्वर से है. You are blessed. तब तुम आशीर्वादित हुए. Amen. Amen. See, today it is more of believing. देखिए आज ज़्यादा विश्वास करना है. When your believing is right. जहाँ आपका विश्वास सही होता है. Then you will live a right and blessed life. वही आपका जीना सही होता है आप आशीर्वादित होते हैं. That is the basic. ये तो शुरुआती बुनियादी बातें हैं. बाकी सब काम करो ये करो मेहनत करो सैक्रिफाइस करो फास्टिंग करो पास करो वो सब बाद में आया है. अगर यही गलत है फाउंडेशन ही गलत है वचन का जो जानकारी का फाउंडेशन गलत है बाकी जो भी करेगा कुछ फायदा नहीं होगा When the storm comes, डूब जाएगा जब तूफान आएंगे तो तूफान आपको डुबा देंगे Amen. Amen. So the basic knowledge is very important. तो जो बुनियादी जानकारी है उसका होना तो बहुत जरूरी है I know my life. मैं खुद अपना जीवन जानता हूँ I was a Christian. मैं ईसाई था Having no life of Christ. पर मेरे अंदर मसीह का जीवन नहीं था And I was building my life on that. और मैं उसी बात पर अपना जीवन बांध रहा था I was born a Christian. मैंने ईसाई घर में जन्म लिया था But having no life of पर Christ. मसीह का जीवन मेरे अंदर नहीं था And I was growing. और मैं बढ़ रहा था But I was not growing in Christ. पर मैं मसीह में नहीं बढ़ रहा था Growing a natural life. मैं सिर्फ नैसर्गिक जीवन में बढ़ रहा था No blessings. मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं थे But later on I accepted Christ. पर आगे चल के मैंने मसीह का स्वीकार किया I started to grow. मैंने बढ़ना शुरू किया But because of the wrong messages I heard. पर क्योंकि जो गलत संदेश मैंने सुने थे Because that was many years back. और ये बात बहुत साल पहले की है 20-30 years back. तकरीबन 30 साल पहले की बातें हैं I used to think that anyone who preaches, preaches right. मुझे लगता था जो कोई बाइबल खोल के पढ़ के प्रचार कर रहा है वो सही प्रचार कर रहा है I think, oh, तो man of God, वचन खोल रहा है मतलब सही है But I was not blessed. पर मैं आशीर्वादित नहीं था Because I was learning law. क्योंकि मैं नियम शास्त्र सीख रहा था और Old Testament kind of mentality. या पुराने करार वाली मेरी सोच थी. And I was separating myself from grace. और मैं कृपा से खुद को अलग कर रहा था.
So there was no healing. तो मेरे जीवन में आरोग्य नहीं था, आशीर्वाद नहीं था. I struggled in life. मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किए. But then I understood grace. पर फिर आगे चलके कृपा की पहचान मुझे हुई. Amen. That was a blessing. और यही बात मेरे लिए आशीर्वाद साबित हुई. I took all the books packed in a sack, 11 sacks, and threw it off. और मैंने सो किताबें थी. किसी काम की नहीं थी. मैंने 11 पोते भर ऐसी किताबें निकाल के फेंक दी. सब फेंक दिया मैं. Because I had a great desire for the word. क्योंकि वचन सीखने की मेरे मन में गहरी इच्छा थी. And that time it was more of law. और उन दिनों में नियम शास्त्र ज्यादा चलता था. करो के करो, प्रार्थना करो, घुटना टेक करो, ये करो वो. इतना मेहनत करने पड़ता था हम लोग को. They put us in too much मेहनत. तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. And sometimes with frustration, I would tell the Lord. और कभी-कभी तो मैं बहुत चिढ़कर प्रभु से कहता. क्या इतना मेहनत करके कुछ मिलता नहीं? फिर बाद में मिलता, sorry प्रभु, ऐसा बोला. नहीं नहीं, अभी और मेहनत करता हूँ. What a life. तो कैसा जीवन था? Then I came to know grace. और आगे चल के फिर मैंने कृपा को जाना. Praise God, what a blessing. तो कृपा को जानकर महान आशीर्वाद उतरे. Now I'm seeing the word of God very differently. अब प्रभु के वचन देखने का मेरा नजरिया बिल्कुल अलग हो गया है. The word of God is not condemning me at all. कि वचन मुझे दंडित नहीं कर रहा. It is blessing me. ये वचन मुझे आशीर्वाद दे रहा है. It is showing me. ये मुझे बता रहा है. This is the way a born again Christian lives. कि इसी तरीके से एक नया जन्म पाया मसीह जीता है. Amen. Amen. It is showing with a new life. You are living like this. और ये बताता है कि नया जीवन पाकर तुम ऐसे जीते हो. It is not telling you to do it. मुझे कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है. करने बहुत लोग क्या करते हैं? वचन लेते, अच्छा ऐसा करूँ, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ. पत्थर लेने का, अच्छा पत्थर. ओ दंडी फिर अन्यथा. ऐसा नहीं बोलता वो. They are taking the book like that. तो वो इस तरह से इस किताब को पढ़ते हैं, मानो कि कुछ करना है. Entering into more condemnation. तो वो और ज़्यादा अपने आप को दोषी महसूस करते हैं. Because they think that God is telling you to do this. क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सारा काम परमेश्वर ने करने के लिए कहा है. It's humanly impossible to keep the word. परमेश्वर के वचन का पालन यदि हम इंसानी बलबूते के तहत करना चाहें तो ये बिल्कुल नामुमकिन है. It is impossible to live a Christian life. और बिल्कुल नामुमकिन है कि एक मसीह जीवन हम जी सकें. Without Christ's life in you. बगैर मसीह का जीवन अपने अंदर पाए. Who is the only one who kept the law. और एकमात्र मसीह जिसने पूरे नियम शास्त्र का पालन किया. And brought blessings. और हमारे लिए आशीर्वाद लेकर आया. Amen. Amen. He kept it. तो उसने पूरा नियम पालन किया. And we have his life. और हमारे अंदर उसका जीवन है. And in that life, you are going to live the Bible way. और उसी जीवन के आधार हम बाइबल के मार्गों के अनुसार जिएंगे. वो सिर्फ बता रहा है वचन तुमको. ये जो तुम पढ़ रहे हो, बता रहा है ये न्यू बॉर्न अगेन क्रिश्चियन का जीवन ऐसा है. तुमको करने के लिए नहीं बोल रहा है. तुम जितना प्रभु यीशु में विश्वास करता है, तुम उसके मुताबिक रहेगा, बाइबल के मुताबिक जिएगा तुम. आमेन. आमेन. सी You know, I know it is very difficult for people to understand this. मैं जानता हूँ ये बातें लोगों के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल है. Keep growing in grace, you'll understand. कृपा में, कृपा की पहचान में बढ़ते जाइए. Now, lastly, I want to tell you one beautiful thing. और अंत में एक बहुत ही सुंदर बात कहना चाहूँगा. If you are born again. यदि आपका नया जन्म हो चुका है. You know, the Bible says born again means receiving Jesus in your life. अब नया जन्म का मतलब है अपने जीवन में यीशु को प्रभु के तौर पे स्वीकारना. In John 1:11 he says. यूहन्ना 11 में उसने कहा. He had come for his own. कि वो अपनों के पास आया. But his own did not receive it. पर उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया. Our father was really hurt. तो इस बात से पिता को बहुत दुख पहुंचा. The Jews were his own. तो जो यहूदी लोग थे उसके अपने थे. God wanted to show himself through them. और उनके द्वारा पूरी दुनिया को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता था. But they did not receive him. पर उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया. You know, today many people say all are going to heaven. आज कई लोगों को कहना है कि सभी लोग स्वर्ग जा रहे हैं. No. नहीं. Then why did Apostle Paul cry so much? फिर आगे चल के पौलुस इतना रोता क्यों है अपनों के लिए? Why did he say I'm willing to go to hell for them? और वो ये भी कहता है कि मैं चाहता था कि चाहे मैं नर्क चला जाता पर इनमें से कुछ का उद्धार हो पाता. They were the chosen people. वो तो चुने हुए लोग थे. Why did he weep so much? तो वो इतना ज़्यादा उनके लिए क्यों रोता है? Why did he carry continual burden for them? क्यों लगातार भारी बोझ के तले वो चलता है? Why did he sorrow for them? क्यों उनके लिए वो दुख सहता है? Why did he say I'm ready to go to hell? वो क्यों कहता है कि मैं नर्क की पीड़ा भोगने के लिए तैयार हूँ? But he knew that even if he goes there, they will not be saved. पर वो ये भी जानता है यदि वो नर्क तक चला जाए, इससे उनका उद्धार नहीं होगा. Though he loved them. इसके बावजूद वो उनसे प्रीति करता है. But his love couldn't take them to heaven. पर उसकी प्रीति इन लोगों को स्वर्ग नहीं ले जा सकती. तुम कितना भी प्रेम करो तुम्हारा अपने लोगों को, दूसरे लोगों के लिए, तुम्हारा प्रेम से उन लोग स्वर्ग नहीं जाएगा. तुम उनके लिए मर भी गए तो स्वर्ग नहीं जाएगा. तुम बोलेगा मैं ना, मेरा इन लोग के लिए ना मर जाता हूँ, फिर भी वो स्वर्ग नहीं जाएगा. बिकॉज यू आर नॉट द सेवियर. क्योंकि आप उद्धारकर्ता नहीं हैं.
Savior is Jesus. उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु है. So don't become anyone's savior. इसलिए किसी का उद्धारकर्ता बनने की कोशिश मत कीजिए. परमेश्वर, मैं नरक में जाता हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ. हाँ, मेरे बदले में उनको स्वर्ग लेके जाओ. मैं नरक में रेडी हूँ. You are becoming their savior and your own savior. तो आप खुद के और उनके दोनों के उद्धारकर्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं. There's only one savior. सिर्फ एक ही उद्धारकर्ता है. Under heaven. स्वर्ग और आकाश के नीचे. Acts 4:12. प्रेरितों के काम 4:12. That is Jesus. और वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है. Amen. तो तुम्हारा कितना भी प्रेम किसी को भी स्वर्ग नहीं लेके जा सकता है. तुम प्रेम से उनको प्रार्थना करो. Amen. Amen. As Paul did. जैसे कि पौलुस ने किया. Paul loved them so much. पौलुस अपने जाति भाइयों से बहुत प्रीति करता था. Great sorrow. कि उनके लिए उसका मन सदा दुखता रहता. Continual sorrow for them. लगातार वो शोक करता रहता. Great burden for them. उसके मन में भारी बोझ था. But yet he was always joyful. फिर भी वो हमेशा आनंदित रहा. But with that burden he converted into prayer. पर उसी के उस बोझ को उसने प्रार्थना का रूप दे दिया. परमेश्वर उनका उद्धार होना है प्रभु. किसी भी तरह से किसी को भेजो उनको सुसमाचार के साथ. और जो भी शैतान उनको अड़चन डाल रहा है उसको हम निकाल देते यीशु मसीह के नाम से, ताकि तेरे पास आए प्रभु, उनका उद्धार हो प्रभु. ऐसा प्रार्थना करता था. सिर्फ प्रेम करके, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान देता, ऐसा कुछ फायदा नहीं है. सब डायलॉग. तुम मर भी गया तो स्वर्ग नहीं जाएगा. सिंपल. हेलो. I know there are many religious Christians who do all this. मैं जानता हूं बहुत ही अपने आप को धर्मी मानने वाले मसीह जो ऐसा करते हैं. And also think because I love my so and so people so they'll go to heaven. और उन्हें ये भी लगता है क्योंकि मैं अपने प्रियजन से इतना प्यार करता हूं इसलिए वो जरूर स्वर्ग जाएंगे. Or because they love me. या क्योंकि वो मुझसे प्रीति करते हैं. On account of me. और मेरे खातिर. God will take them. परमेश्वर उन्हें स्वर्ग ले जाएगा. तो प्रभु को एक्सेप्ट नहीं भी किया तो that is wrong. पर ये बिल्कुल गलत बात है. You'll miss them forever. सदा के लिए आप उन्हें खो देंगे. You are not anyone's savior. आप किसी के उद्धारकर्ता नहीं हैं. Amen. Amen. There's only one savior. एक ही उद्धारकर्ता है. Acts 4:12. There is no other name under heaven. आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं. By which anyone can be saved. जिसके द्वारा कोई उद्धार बच सके. Except the name of Jesus. सिर्फ प्रभु यीशु का नाम. Amen. Amen. तुम्हारा प्रेम प्रीति कुछ काम नहीं आएगा अगर वो प्रेम से तुम कन्वर्ट करते हो उनको प्रार्थना करने के लिए, ताकि उनका उद्धार हो, उसका फायदा हो सकता. Amen. That is what Paul did. यही तो पौलुस ने किया. Amen. Amen. Okay. Now, just give me 2 minutes. I'll just end up. सिर्फ आपके और 2 मिनट लूंगा. But thanks be to God, it says in the next verse. पर वो अगले वचन में कहता है. As many as received him. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितनों ने उसे अपनाया. See that. There are people who didn't receive. तो ऐसे थे जिन्होंने उसे नहीं अपनाया. His own people. उसके अपने लोग. Did not receive. उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया. But there are people who received him. पर ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे अपनाया. So don't think that even if you don't receive, वो स्वर्ग में जाएगा. तो मत सोचिए कि जो नहीं अपनाते वो स्वर्ग जाएंगे. That is not the Bible. ये बाइबल का मार्ग नहीं है. Many Christians out of love say that. बहुत से मसीह प्रीति के कारण ऐसा बोलते हैं. Because their own people are not saved. क्योंकि उनके अपनों का उद्धार नहीं हुआ है. नहीं, कैसे भी करके ना प्रभु उनको one is saved, the whole family is saved, ना वो जाएंगे उन लोग. तो बाइबल कहती है एक का उद्धार हुआ पूरे घर का उद्धार हुआ तो वो सभी का उद्धार होगा, वो स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं है. ऑटोमेटिकली नहीं होता है. You are the door opener. आप दरवाजा खोलने वाले हैं. Amen. Amen. At least the door is open. कम से कम आपके कारण दरवाजा खुला है. तुम्हारा फैमिली के लिए. You are the door now. तो अब आप दरवाजा हैं. Amen. Amen. God's influence can come in that family. तो परमेश्वर का प्रभाव उस पूरे परिवार पे उतर सकता है. The devil will be weakened. शैतान कमजोर पड़ेगा. And it is easy for them that person to be saved. और उस घर के लोगों का उद्धार होना आसान है. Living in the environment of godly love. कि जहाँ परमेश्वर की प्रीति के माहौल में वो जी रहे हैं. Living in the environment of life. जहाँ वो जीवन के माहौल में जी रहे हैं. It becomes easy. तब उद्धार पाना आसान है. That is all it can do. बस इतना ही मदद मिल सकती But है. But you cannot become anyone's savior. पर आप किसी के उद्धारकर्ता नहीं बन सकते. Amen. Amen. Means you don't receive. चलेगा मेरे वजह से तुम उद्धार हो. ऐसा कभी नहीं हो सकता. Okay, so here it says in John 1:11 and 12. यहून्ना 11:12, 1:11:12. Some, though they were close to God, they rejected it. कुछ ऐसे थे जो प्रभु के बहुत करीब थे, पर उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया, नहीं अपनाया. They didn't receive him. उन्होंने यीशु को नहीं अपनाया. But पर see that word but there. तो वहाँ पर विभाजन हुआ है पर डाल के. As many as received him. जितनों ने उसे अपनाया. To them he gave them power. तो उन सभी को उसने सामर्थ्य दिया. To become the sons of God. कि वो परमेश्वर के पुत्र ठहरें. Amen. Amen. So look at this.
And here it says, even to them that believe on his name. यहाँ तक कि वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं. So believing is receiving. तो विश्वास करना ही पाना है. Amen. Amen. They have to believe. तो बहुत जरूरी है कि वो विश्वास करें. They have to receive. जरूरी है कि वो अपनाएं. If they don't, they are rejecting him. यदि वो नहीं अपनाते तो वो यीशु का इनकार कर रहे हैं. Even if you die for them. यदि उनके बदले आप जान they will not go to heaven. तब भी वो स्वर्ग नहीं जाएंगे. Even if you tell the Lord, let me burn in hell for them. यदि आप प्रभु से कह रहे हैं कि इनके बदले मैं नर्क में जलूं. ताकि उनको तुम स्वर्ग ले जाओ. It is not possible. तब भी वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे. Amen. Amen. Now, lastly. अंत में. Now, those who are born again. अब जिनका नया जन्म हो चुका है. Now, what is God telling you? परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? Now, you are special. अब आप खास हैं. You are chosen. आप चुने हुए हैं. Amen. Amen. From the time you are born again. जिस समय से आपका नया जन्म हुआ है. Now, God is declaring. अब परमेश्वर घोषणा कर रहा है. That is who you are now. यही अब आपका असली तो. Don't go back. Don't go back. पीछे मत लौटिए. पीछे मत जाओ. Take now what God is telling to the new creation. नई सृष्टि से जो बातें प्रभु कह रहा है उन बातों को अपनाइए. You're not trying to do it. हम वो करने की कोशिश नहीं कर रहे, बनने की कोशिश नहीं कर रहे. You have started believing it. हमने विश्वास करके उसकी शुरुआत की. You're an unbeliever. Now you're a believer. पहले आप अविश्वासु थे, अब आप विश्वासु हैं. Amen. Amen. When you didn't know the Lord Jesus, you were an unbeliever. तब आप अविश्वासु थे. Even if you were born in a Christian family, यदि आपने ईसाई परिवार में जन्म भी लिया था, that natural birth doesn't make you a Christian. वो नैतिक जन्म आपको मसीह नहीं बनाता. Now you become a believer. अब आप विश्वासु बन चुके हैं. But the believers have left the believing. पर जो विश्वासु है उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया है. And they're trying to do it. और वो करने की कोशिश कर रहे हैं. To receive what they need to receive. Hallelujah. Did you understand? तो ये बात आपने समझ ली है? You are a believer. आप एक विश्वासु हैं. You must know the meaning of a believer. विश्वासु का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए. Your believing makes God do it for you. आपका विश्वास परमेश्वर को वो आपके लिए कर दिखाने लगाता है. Your believing is your response to receive everything. आपका विश्वास ही आपका प्रतिसाद है सब कुछ पाने के लिए. Amen. Amen. You are not a believer. पहले आप विश्वासु नहीं थे. Now you are a believer. अब आप विश्वासु हो चुके हैं. A believer's work is प्रभु जो बोलता है मैं विश्वास करता हूं. Amen. मैं कोशिश नहीं करता हूं जो प्रभु बोलता है मेरे बारे में. मैं सिर्फ विश्वास करता हूं मैं वैसा हूं. That is the believer's job. और यही विश्वासु का काम है. Amen. Amen. You call yourself a believer. आप खुद को विश्वासु कहते हैं. And you don't receive by believing. और विश्वास करके आप उसको अपनाते नहीं. You receive by doing. आप काम के आधार पे पाने की कोशिश करते हैं. So are you a believer or not? तो क्या फिर आप सही में विश्वासु है भी या नहीं? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? तुम अपने आप को विश्वासु बोलते हो. तो विश्वास से मिलो ना जो बोलता प्रभु मान लो. प्रभु बोलता तुम आशीर्वाद है मैं कोशिश कर रहा हूँ आशीर्वाद. तुम पीछे गए वापस से. अनबिलीवर बन गया तुम. A believer's work is to believe. एक विश्वासु का काम विश्वास करना है. And declare. और घोषणा करना है. I am blessed. मैं आशीर्वादित हूँ. Who told you? किसने कहा? God told. परमेश्वर ने कहा है. You are going to believe? Yes, I am a believer. क्या तुम विश्वास करोगे? हाँ, मैं विश्वासु हूँ. I was an unbeliever. पहले मैं अविश्वासु था. और अनबिलीवर के कारण मैं पापी था. प्रभु से दूर था. आशीर्वाद से दूर था. आरोग्य से दूर था. आज मैं बिलीवर हूँ. अब मैं विश्वासु बन चुका हूँ. Amen. Amen. Many think they are believers, but they're not living like a believer. बहुत से लोग कहते तो हैं कि वो विश्वासु हैं, पर विश्वासु जैसा जी नहीं रहे. Okay, we'll see next time. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे. Praise the Lord. शास्त्र कहता है कि शैतान आया है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. परंतु आगे और एक बार कहा गया है कि यीशु मसीह आया हमें जीवन और भरपूरी का जीवन देने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. हमारे बहन की साक्षी है, वो कहते हैं कि उनके अत्या का लड़का, उसका
उसका बच्चा 3.5 साल का काफी दिनों से बीमार था. उसका जो डॉक्टर के पास जब उसको लेकर गए थे तो उसे बताया गया कि उसका जो हृदय है, उसका जो पर्दा है वो बहुत ही पतला है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिस ऑपरेशन का खर्चा 6 से लेकर 6.5 लाख रुपए है. प्रेज द लॉर्ड. हमारी बहन विश्वासु है, उनका पूरा परिवार विश्वासु है, निरंतर वो कलीसिया में आते हैं. उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला, आरोग्य देने वाला परमेश्वर है और वही यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है उसके अभिषिक्त सेवक की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. और इस विश्वास से हमारे बहन ने उस परिवार को यहाँ पर लेकर आए गए मंगलवार को. और उस वो शिविर इस जगह रहते हैं, यहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर है. वो कहते हैं कि गए मंगलवार को उन्होंने विश्वास से उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया और कहा कि आप यहाँ पर कलीसिया में आए हो, प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे को चंगाई देगा. और उसी विश्वास से वो अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आए थे और गए मंगलवार को उन्होंने सभा अटेंड की और सभा के बाद में हमारे प्रिय पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया, उनका सांत्वन किया और कहा कि तुम चले जाओ, परमेश्वर तुम्हारा संपूर्ण रीति से ताबा लेगा. और वो कहते हैं कि जैसे पास्टर ने उनसे कहा और उस मंगलवार को जैसे वो कलीसिया समाप्त हुई और यहां से कलीसिया से केवल बाहर ही गए, प्रेज द लॉर्ड, केवल कलीसिया से बाहर ही गए, तो बहन कहती कि उन्हें वहां से फोन आया कि उनके बच्चे का रिपोर्ट नॉर्मल है. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जिस रीति पवित्र शास्त्र में एक सेवक था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मेरे बच्चे को चंगाई दो, आपके आने की जरूरत नहीं, आप शब्द मात्र कहो उससे चंगाई मिलेगा. प्रेज द लॉर्ड. उसी विश्वास का यहाँ पर प्रदर्शन है कि हमारी बहन ने जिस विश्वास से उसे यहाँ पर बुलाया, कलीसिया के बाहर जाते ही रिपोर्ट आया कि वो बच्चा नॉर्मल है. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए बहन और वो पूरा परिवार सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं. थैंक यू लॉर्ड. And all is stripped away.